हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास सिक्स साइंस के चैप्टर फर्स्ट द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के पार्ट टू को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट वन वीडियो के लास्ट में हमने समझा था कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी होने के कारण डिफरेंट टाइप के डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मटीरियल्स का फूड का यूज़ किया जाता है। इन फूड मटीरियल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इसे साइंस के द्वारा समझा जा सकता है। फूड का पकना, फूड को कुक करना भी साइंस है। अगर अभी तक आपने पार्ट वन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट साइंस क्लास सिक्स से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। एलोंग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। खाने के साथ साथ हमें सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंसेस। हमारे लिए वाटर एक डिलाइटफुल यानी रमणीय आनंदमय सब्सटेंसेस है, चीज़ है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन द पैडल व्हेन इट रेन्ड। क्या कभी आप बारिश होने पर दौड़कर पोखर या तालाब में कूदे हैं? और सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स। क्या आपने सोचा कि बारिश क्यों और कैसे होती है? ये क्वेश्चंस आपसे इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि दौड़कर किसी पोखर में, तालाब में कूदना और बारिश का होना दोनों साइंस हैं। यहाँ पर और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल एंड बिकम्स स्टीम व्हेन वी हीट इट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या आपने देखा है, जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो जम जाता है, बर्फ बन जाता है, और जब हम उसे गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो वो स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शॉवरिंग विथ वार्म वाटर इन द विंटर। क्या आपको गर्मियों में ठंडा पानी पीना या सर्दियों में गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है? हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। हम ठंडे या गर्म को कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं? वेन एवर इट इज़ वाटर आर अवर ओन बॉडी वेन वी हैव फीवर फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट। चाहे वो पानी हो या फिर बुखार आने पर आपका शरीर, ये पता लगाना आवश्यक है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है। ये सब जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप समर में, गर्मी में ठंडा पानी पीते हैं तो ये जानना आवश्यक है कि आप कितना ठंडा पानी पी रहे हैं, आपको कितना ठंडा पानी पीना चाहिए। जब आप विंटर में गर्म पानी से नहाते हैं तो उसकी भी एक लिमिट है, पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इफ़ेक्ट ना पड़े, किसी भी तरह का नुकसान ना हो। अगर आपको फीवर आ गया है तो ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको फीवर कितना है, आपकी बॉडी कितनी गर्म है, आपको कैसी दवा देनी है। इन सब बातों में, इन सब चीज़ों में साइंस है। इन सब चीज़ों का पता हम साइंस से लगा सकते हैं। यहाँ पर वाटर साइकिल का एक पिक्चर दिया हुआ है, चलिए इसे समझते हैं। ये वाटर बॉडी है, जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये गर्म होती है, गर्म होने के बाद, हॉट होने के बाद ये स्टीम में, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन कहलाता है, ये साइंस है। ये वेपर ऊपर जाती है और क्लाउड में, बादल में कन्वर्ट हो जाती है, बादल बनाती है, बादल का बनना भी साइंस है। ये बादल आसमान में इधर उधर उड़ते रहते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है और टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है तभी बादल पिघलना शुरू होते हैं और वाटर में कन्वर्ट होकर के नीचे पृथ्वी पर आ जाते हैं। अर्थात बादल पिघलकर पानी बनता है और बारिश के मौसम में, बारिश के रूप में नीचे ज़मीन पर आ जाता है। इस तरह से बादल का वाटर में कन्वर्ट होना भी साइंस है। ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने जाना कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ साइंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then again, there are so many different things around us. The paper we write on, the metal key, the plastic ruler and the rubber eraser in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in and so many other things. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेपर जिसमें हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक की रूलर जिससे हम लाइन खींचते हैं, रबर जिससे हम मिटाते हैं जो हमारे बॉक्स में होता है, मैग्नेट चुंबक जो हमारे बॉक्स को बंद करने का काम करता है।
वो कपड़े जिन्हें हम पहनते हैं, वो कप जिसमें हम दूध पीते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या ये सारी चीज़ें डिफरेंट मटेरियल से, डिफरेंट चीज़ों से बनी हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, हम इन मटेरियल्स को अगर ये साथ में मिले हुए हों तो हम इन्हें कैसे अलग कर सकते हैं। ये चीज़ें कैसी बनी हैं इसका पता हम साइंस से लगा सकते हैं। क्या ये डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है इसका पता भी हम साइंस से लगा सकते हैं, और साइंस के द्वारा ही हम इन सब्सटेंसेस को, इन मटेरियल्स को अलग कर सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है जो कि नाइट की है, रात की है। इसमें शायद कोई टीचर बच्चों को रात में स्काई या आकाश किस तरह का दिखाई देता है, उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, ये समझाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बुक में हमें अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ अर्थ से रिलेटेड नहीं है, सन से रिलेटेड नहीं है, मून से रिलेटेड नहीं है, स्टार स्काई में क्यों चमकते हैं इससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि इससे हटकर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे तब पूछे जाएंगे जब आप सीखेंगे कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कोई भी चीज़ किस तरह से मूव होती है, पीनट की स्किन को कैसे सेपरेट किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर टू मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस। भले ही आपको ये एहसास ना हो, रियलाइज ना हो कि आप पहले से ही अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे होंगे। सपोज उदाहरण के लिए, योर पिन स्टॉप राइटिंग, आपका पिन चलना बंद कर देता है, आपका पिन लिखना बंद कर देता है। वॉट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई डिड माय पिन स्टॉप राइटिंग, मेरी पिन ने लिखना क्यों बंद कर दिया। यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, आप ये गेस करेंगे कि शायद इंक स्याही खत्म हो गई है। इसके लिए आप अपने गेस को टेस्ट करेंगे, अपने पिन को ओपन करेंगे और इसकी इंक रिफिल को चेक करेंगे। इस तरह से पिन से रिफिल को निकालेंगे और ये देखेंगे कि इसके अंदर इंक है या नहीं है। इफ़ इट इज़ एम्प्टी, यू वुड नो दैट योर गेस वॉज करेक्ट, अगर ये एम्प्टी है, खाली है, तो आप समझ जाएंगे कि आपका गेस करेक्ट है, सही है। बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, नाउ वॉट वुड यू डू, अगर थोड़ी देर के लिए ये गेस करिए कि रिफिल में इंक फिनिश नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे। यू वुड मेक अनदर गेस, परहैप्स शायद आप कोई दूसरा गेस करेंगे। द इंक माइट हैव ड्राई अप, शायद इसकी इंक सूख गई है। टू टेस्ट इट, दिस गेस इज करेक्ट आर नॉट, इंक सूख गई है, इसके लिए भी कोई आप गेस करेंगे, कोई टेस्ट करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, साइंस एग्जैक्टली इसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से आपने देखा कि आपका पिन क्यों चलना बंद कर दिया, क्या उसकी स्याही सूख गई है या फिर उसमें स्याही खत्म हो गई है। आपके पिन ने चलना क्यों बंद कर दिया, इसे पता लगाना, फाइंड करना एक साइंटिफिक मेथड का एग्जांपल है। साइंटिफिक मेथड के द्वारा हम किसी चीज़ का पता कैसे लगा सकते हैं, किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक्टिविटी 1 दी हुई है, लेट अस थिंक एंड राइट, चलो सोचें और लिखें। स्टेप फर्स्ट, राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, अभी आप पिन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, ठीक इसी तरह की प्रॉब्लम को लिखिए। सेकेंड, व्हाट स्टेप डिड यू टेक, आप किस तरह की स्टेप्स को फॉलो करेंगे, किस तरह की स्टेप्स को लेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किस तरह का कदम उठाएंगे। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइज फैक्ट एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट, इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू अवर क्वेश्चंस, सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि साइंस केवल किसी फैक्ट को या फिगर को याद करना नहीं है, उसका एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को, प्रोसेस को फॉलो करना है जिससे हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। चलिए जानते हैं कि वो स्टेप्स कौन से होंगे। कहने का अर्थ ये है कि जब आप साइंस के द्वारा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस केस में आपको उससे रिलेटेड फैक्ट को, फिगर को याद नहीं करना है, उसका केवल एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बल्कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है जिससे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। फर्स्ट स्टेप है
वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है, अच्छी लगती है, या हम जिस चीज़ को नहीं जानते हैं। सेकेंड स्टेप है, दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चीज़ हमें आश्चर्यचकित करती है और फिर हम उसके बारे में क्वेश्चन सोचते हैं। देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोचने के बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर के लिए गेस करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो हम गेस कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है, वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट आर मोर ऑब्जर्वेशन। इसके बाद हम गेस किए गए आंसर को, सोचे गए आंसर को किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा या ऑब्जर्वेशंस के द्वारा टेस्ट करते हैं कि वो सही है या सही नहीं है। और लास्ट में वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट्स टू सी इफ इट इज़ एक्चुअली आंसर्ड आवर क्वेश्चन। और अंत में हम रिजल्ट को एनालाइज करके ये देखते हैं कि एक्चुअल में जो आंसर मिला वो क्वेश्चन का सही आंसर है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आर टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, बट एनी वन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग वाई द दाल हैज स्पाइल्ड आउट ऑफ द कुकर, वॉज देयर टू मच वाटर। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि साइंटिस्ट या वैज्ञानिक वो है, वो इंसान है जो कि किसी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, किसी चीज़ की खोज करने के लिए या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज़ करता है। इसे समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई इंसान साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हुए किसी काम को कर रहा है तो वो एक साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे यदि कोई खाना बना रहा है और कुकर से दाल बाहर गिर जाए तो वो ये सोच रहा होगा कि शायद दाल में पानी ज़्यादा है, दाल कुकर से बाहर क्यों गिर गई। इसी तरह से अगर किसी साइकिल रिपेयर करने वाले के बारे में सोचें कि टायर क्यों फ्लैट हो गया, हवा कहाँ से निकल गई। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रिशियन ये फाइंड करे, ये सोचे कि बल्ब क्यों वर्क नहीं कर रहा है, क्या बल्ब में कोई प्रॉब्लम है या फिर स्विच खराब है। जब हम इस तरह के प्रश्न पूछने और उसका उत्तर खोजने का काम करते हैं तो हम सब भी साइंटिस्ट हैं। कहने का अर्थ है कि जब हमारे सामने इस तरह की प्रॉब्लम आती है या फिर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कुकर से दाल का गिरना, या रिपेयर के मन में ये आता है कि ये टायर क्यों फ्लैट हो गया, इसमें हवा क्यों निकल गई, इसे कैसे फिल किया जा सकता है, या फिर बल्ब के काम ना करने का क्या कारण है। जब इस तरह से क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं और उसका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम एक साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे होते हैं। जब इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं तो हम सब भी साइंटिस्ट हैं। हम साइंटिस्ट की तरह कैसे वर्क करते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक्टिविटी 2 दी हुई है। लेट अस थिंक एंड राइट, चलो सोचें और लिखें। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। चलिए एक डेली लाइफ की सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं जहाँ पर कोई भी साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है। क्या आप जानते हैं, क्या आप ये रियलाइज़ करते हैं कि डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम जाने अनजाने साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आगे ये बोला जा रहा है कि हाँ, किसी हद तक हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने अंदर कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करें जिससे आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, यूनिवर्स में छुपी हुई चीज़ों को जान सकें, यूनिवर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करें। इसके लिए आपको क्यूरियस होना ज़रूरी है, जिज्ञासु होना ज़रूरी है। साथ ही आपके मन में ये क्वेश्चन उठने चाहिए कि कब, क्यों और कैसे। एक्टिविटी 3 में दिया हुआ है कि अगर आप किसी के बारे में क्यों क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इसके बारे में आप लिखने की कोशिश करें, इसके आंसर को फाइंड करने की कोशिश करें। साइंस के द्वारा किसी प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि साइंटिस्ट एक बड़ी टीम के साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसलिए अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा है तो अपने दोस्तों से पूछिए और हेल्प लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आंसर ढूंढना या किसी चीज़ को डिस्कवर करना ज़्यादा मज़ेदार होगा। जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर
किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कुछ डिस्कवर करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। इसी तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए। जब आप इस तरह से साथ मिलकर के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप ये बात याद रखिए कि क्लास सिक्स में, स्टैंडर्ड सिक्स में, आप सभी क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको 5 साल की जर्नी तय करनी पड़ेगी या इससे भी अधिक, यानी आगे क्लासेस में आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और लास्ट में है, मच लाइक चिल्ड्रंस एंजॉयिंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जिस तरह से बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, इस पिक्चर में देखिए सभी बच्चे बारिश का आनंद ले रहे हैं, ठीक उसी तरह से आप भी साइंटिफिक जर्नी का आनंद लीजिए। अपने माइंड को एक्सप्लोर करें, यूनिवर्स की वंडरफुल मिस्ट्रीज के बारे में सोचें और क्वेश्चन करना बंद ना करें। और लास्ट में आपसे कहा जा रहा है कि आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस, लेट अस गेट स्टार्टेड। क्या आप साइंस की एक्साइटिंग जर्नी के लिए रेडी हैं? चलिए शुरू करें। इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर चैप्टर का एंड होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।